बहुत अच्छा है, एकदम सुपर फास्ट। समुंदर से। अरे प्लीज आई एम ब्लॉगिंग। मम्मी व्हाई आर डिस्टर्बिंग मी? लग रहा है जैसे गोल्ड हो। माय गॉड कैसा मुंह है इनका। बहुत मारने वाली है हमें। बहुत गॉड करार। ओह माय गॉड, जूता लेके भाग रहा था। कुत्ता दिख रहा है वो वाला, उसने जूता पापा का लेके जो मुझे दौड़ा है। लिटरली मैं वहां देखूं मम्मी होगी एकदम पीछे और मैं यहाँ कॉर्नर तक भाग के आई हूँ भाई। मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कुत्ते से डरती हूँ, भाग नहीं पाती। आज आपका जूता बचाया, क्या दोगे पहले बताओ? बचा लिया, काटा नहीं पाया वो। तुम्हें क्या लगता है ये जो बहादुरी मैंने दिखाई कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छा है, एकदम सुपर फास्ट। अगर खो बिल्ली गोदी में चढ़ जाए। क्या कर रहे हो? व्हाट इज दिस? रेलगाड़ी बना रहे हो क्या? सीधा सीधा होके जाओ, उल्टा मत जाओ। ये दानव बहुत ही इंटरेस्ट इंसान है जो बड़ी बड़ी समुद्र में देखो कैसे तैर रहे हैं। पानी में डरने से उतरती थी, अब नहीं, अब पैर रखने में भी नहीं डरते हैं। जो कुत्ते से डरते थे आज कुत्ते से के वजह से और कुत्ते के मुंह से अपने पापा का जूता भी छीन के ले आए। समुद्र में देखो कैसे नहा रहे हैं और ये कितना अच्छा सूरज की किरणें डूब रही है, आप देख पा रहे हो कितना अच्छा है। कहाँ जाना है? श्रीलंका? दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। तो तू ऐसे तैर के जाती रही है जैसे श्रीलंका पहुंच जाएगी। कभी तो पानी में पैर रखने में डरती थी, हाँ अभी तो फ्लोट करेगी। अब देखो ठीक नहीं। हम दोनों भैंस के ऊपर बैठ जाते हैं ऐसे गद्दा करके। देखो हम बैठ गए। ये पूरे बीच पे देखो ऐसे ही पैटर्न बने हुए हैं। एक्चुअली वो छोटे छोटे केकड़े नहीं दिखाए थे, वो एक्चुअली ये पूरे 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 बीच पे, पूरे बीच पे मुझे हैंडपम्प दिखाए जो कुछ ज्यादा ही वियर्ड पोजिशन पे है। कितना ऊपर है भाई। मम्मी देखो ट्राई लो। ओ पानी देखो,
मीठा पानी है क्या? देखना, अरे यार समुद्र के यहाँ मीठा पानी है। घूमने आई हूँ और पिंपल ना है, ऐसा हो सकता है? मेरी शादी यहीं दे देना ना, बीच साइड। हाँ बेटा, बीच क्यों, समुद्र का बीचों बीच दे देंगे तो कैसा लगा समुंदर में नहा के? नमकीन हो गई तो किसको ना, अकेले अकेले क्या बकबक कर रही है, किसको ना किसको ना, कहाँ मिट्टी है। चलो खाना वाना खाएंगे। अब बोलोगे मासी तुमको कुछ कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना। तो हटाई क्यों? कुछ खाना अब ले लो और चलो सो जाते हैं। बहुत प्लान है कि मॉर्निंग पे उठ के ना सब लोग सनराइज देखेंगे, क्योंकि ये ईस्ट साइड है, तो मतलब प्लान है कि सुबह उठ के हम लोग सब लोग यू नो सनराइज देखेंगे, क्योंकि ईस्ट साइड है तो यू नो समुंदर से। अरे प्लीज आई एम ब्लॉगिंग, जस्ट शट अप। वैसे पैसा उसी का ही, भूख लगेगी ना तो शट अप बन जाएगा। अभी पेट भर के आई है ना, खा लिया। ये लोग को 7:30 बजे ही डिनर करना है। वाओ, 7:30 बजे के पहले बोले ऑर्डर करने के लिए, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा ना, तो ब्लॉगिंग खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ब्लॉगिंग करते रहना समुंदर में जाके नहा के। थोड़ा सा बोल दूं, मैं वैसे क्या बोल रही थी लास्ट, मैं भूल गई मैं लास्ट क्या बोल रही थी। हाँ तो हम सब का ना ये प्लान है कि हम लोग सब सुबह उठ के यू नो सनराइज देखेंगे, क्योंकि ये ना साइड ईस्ट पे है, तो यू नो मतलब समुंदर से ऐसे निकलेगा। और मैंने ईस्ट साइड का ना मतलब बीच वैसे देखा नहीं है शायद से। मम्मी उधर तीन तीन लहड़े आ रहे, देख रहे? मम्मी व्हाई डिस्टर्बिंग मी? अरे तीन तीन, अरे यार कोई ब्लॉग नहीं करना। तीन तीन उबाल आ रहा है, तीन तीन उबाल। यहाँ पानी नहीं वो गरम कर रहे हम लोग, वही उबाल होता है, समुद्र का उबाल। रात को मैंने कभी बीच नहीं देखा है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। लिटरली मेरे पैर के नीचे से ना मिट्टी निकल रही है। मम्मी पानी का लहर चमक रहा है, लिटरली बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हो रहा है। ये सॉइल कितनी लग रहा है जैसे गोल्ड हो, वैसे है सिल्वर, दिन में सिल्वर लग रहा था। किसको? ये इतना बड़ा झींगा है? हाँ। अरे केकड़ा है। हाँ ये केकड़ा है। लोटे, माय गॉड कैसा मुंह है इनका। ओह चलो ना, एक टू एक टू चलो ना, एक टू जाए ना। हम मम्मी पापा सो चुके हैं और मैं और मासी चुप चुप के जा रहे हैं अभी तो। ये चलो ना यार, यहाँ पे ना ककड़े नहीं केकड़े होते हैं। और अभी नहीं है ना, देखो अभी नहीं है। और चल ना, अरे बड़ो बड़ो रे, भय लगते। चलो है ना, ओदिके जास ना, एदिके जा, एदिके भाई यहाँ पे बहुत केकड़े हैं और हमें डर लग रहा है, तो हम सोच रहे हैं वायर रोड ही जाते हैं। ये पूरा पानी जो है ना अब इतना आगे आ चुका है, तब था नहीं। मैं और मासी ना बिना मम्मी पापा को बताए यहाँ आ गए हैं कुछ देखने के लिए। लेट मी शो यू। हाँ तुम्हें बोल छिला ना सीढ़ी ऑफ द जल चोला से, हम लोग लिटरली यहाँ तक मतलब यहाँ नहीं था, बहुत दूर, मतलब इतना दूर पे कहीं पे, मतलब बहुत दूर पे था पानी, और इतना ज़्यादा हाई टाइड हो गया है पानी यहाँ तक आ चुका है। बस हम यही देखने के लिए आए हैं अपने होटल से। मम्मी पापा को बिना बताए आगे कैसा लग रहा है? ऐसे होता है। अभी ये ब्लॉग में मम्मी को पता चलेगा तो बहुत मारने वाली है हमें।
हैं। अभी नहीं आया था और अभी तुरंत आने लगा यहाँ तक पानी। चार नंबर सीढ़ी भी जगह भेजा सिरो ना। फिर भी बताओ आपको ये चुपके से वहाँ तक जाने में कैसा लगा? बहुत मजा। थोड़ी मेंटल है मेरी मासी मेरी तरह।